वेल स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया ही होना है। कल आपने क्या पूछा था? सर, इतनी विसंगतियां हैं लाइफ में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अर्थ जगत हो, चाहे नौकरी का मामला हो, इतनी अधिक विसंगतियां हैं, उसमें कैसे ठीक रहे? यही पूछा था ना आपने? वेल हेलो मिस्टर एस, यही पूछा था ना आपने? हाँ सर। क्यों? और सबने कहा था कि ये सबके प्रश्न हैं, ये आज के ज्वलंत प्रश्न हैं। कैसे कैसे ठीक रहें, कैसे खुश रहें? अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कितने लोग ईश्वरवादी हैं। ईश्वरवादी का मतलब भाग्य भरोसे कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि वो ब्लेम कर रहा है, वो ईश्वरवादी आदमी भी नहीं है। और मैं ये भी नहीं पूछूंगा आप लोगों से कि कितने अनिश्वरवादी हैं। अनिश्वरवादी होने का यह भी मतलब नहीं है कि आप ईश्वर को गाली दें, क्योंकि उस पार को आप नहीं जानते हैं। जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं, जिन रहस्य को हम नहीं जानते हैं, उसके प्रति हमें वक्तव्य देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? यस। ठीक है ना? इतनी अधिक विसंगतियां होने के बावजूद हम रास्ता कैसे निकालें? पहली बात यह है, कॉन्फिडेंस हमें अपने ऊपर होना चाहिए कि क्या हम ठीक हैं, हमारे काम ठीक हैं, हम कहीं उन विसंगतियों को पैदा करने में एक और व्यक्ति तो नहीं है। जब हम अपनी ओर लौट कर अपने अंदर झांकने लगते हैं, तब हमें जवाब मिलने लगता है। ठीक है, सेस कल। ओके, थैंक यू सर।